आर्यवरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीटी रोड पानीपत, छात्रों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ अत्याधुनिक शिक्षा देने वाला पानीपत का एकमात्र संस्थान आर्यवरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीटी रोड पानीपत। आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक हरियाणा द्वारा संचालित कक्षा 5वीं से 12वीं तक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश एवं पंजीकरण प्रारंभ। विशेष आकर्षण हवादार तथा हरियाली से परिपूर्ण भवन, सीनियर व जूनियर वर्ग के लिए अलग अलग बिल्डिंग, प्रार्थना भवन व पार्क की सुविधा। विद्यार्थियों के द्वारा रोजाना वैदिक परंपरा के अनुरूप मंत्रोच्चार के साथ हवन तथा यज्ञ के लिए यज्ञशाला, योगा तथा मलखम का प्रशिक्षण, अत्याधुनिक कॉलेज स्तर की रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला एवं भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला। राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में लगातार कई वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, विज्ञान प्रदर्शनी के लिए मॉडल्स तथा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष मार्गदर्शन, एनसीसी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, स्काउट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, एनएसएस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। विद्यालय की अपनी क्रिकेट एकेडमी एवं ग्राउंड, समय समय पर प्रदेश में लगने वाले शैक्षणिक तथा सामाजिक शिविरों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभागिता एवं बेहतरीन प्रदर्शन, शिक्षा एवं खेलकूद में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान, 24 घंटे पावर बैकअप, सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम, हर वर्ष 90% से ऊपर परीक्षा परिणाम। स्कूल के इतिहास में 2 वर्षों से लगातार मेडिकल व नॉन मेडिकल के विद्यार्थी परीक्षा परिणामों में हरियाणा में प्रथम स्थान पर रहे। 10.1 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में मेडिकल व नॉन मेडिकल में प्रवेश प्रारंभ। सुशिक्षित एवं अनुभवी प्राध्यापक एवं अध्यापक, पूर्ण सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीटी रोड पानीपत, प्रिंसिपल श्री जय गोपाल आर्य जी के सार्थक प्रयासों से शिक्षा एवं खेल के क्षेत्रों में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। कक्षा 5वीं से 12वीं तक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश तथा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। संपर्क सूत्र 9728-5711-9782-8454-9255-9259-9251। प्रवेश के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिले प्राचार्य जय गोपाल आर्य जी से। SDVM believes that a better future lies where the children get to learn themselves. At SDVM, academics, subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially skilled and healthier students. It's not just a group of buildings, it's an educational village. At SDVM, we encourage children to think independently and develop their own dreams. I am a huge fan of Virat Kohli and I want to be a cricket player. My dream is to be a police officer. We at SDVM do not believe that education is only about chalk and board. Education is the perfect balance between fun and discipline, between classroom and playground, between academics and co-curricular. Exciting, interactive, celebration of knowledge, pride of Panipat, the home away from home, a complete school. जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल, हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण, वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ, अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर, खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतेह करते यहाँ,
खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं, कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में CBSE से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। पिछले 3 दिन से लगातार पानीपत में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ी है। आज भी पानीपत में कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिनकी संख्या 4 है। 3 कोरोना पॉजिटिव केस समालखा अनाज मंडी के क्षेत्र से आए हैं। समालखा क्षेत्र से जो आड़ती कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके परिवार के 3 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि चौथा केस पानीपत के दलबीर नगर का है। लगातार 3 दिन से कोरोना पॉजिटिव केसों का आना पानीपत के लिए खतरे की घंटी है। लगातार केसों के आने का यह मतलब निकलता है कि हम कोरोना को लेकर गंभीर नहीं हैं। जारी दिशा निर्देशों का पालन करने में हमसे कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। CMO डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि यदि हम कोरोना को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा व स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। कम से कम घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, जब भी घर से बाहर जाना हो तो मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजर का भी उपयोग करें, घर पर हों तो बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं। कोरोना संक्रमण का अभी तक कोई इलाज नहीं है। खुद को यदि कोरोना के संक्रमण से बचाना है तो दिशा निर्देशों का पालन करना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो हमें कोरोना संक्रमण से बचा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पानीपत आजकल। पिछले 3 दिन से कोरोना वायरस से जुड़े जो मरीज हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, जिसकी वजह से हर तरफ एक ही सवाल है, आखिर क्यों ये लोग एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, क्या वजह रहती है एक दूसरे से लोग संक्रमित हो जाते हैं। आइए चलते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संतलाल वर्मा जी के पास, जानते हैं पूरी जानकारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। क्या मामला है सर, अब तक का अपडेट सर क्या है सर? आज फिर 4 केस और पॉजिटिव आए हैं, जो कि 3 तो पहले जो एक केस पॉजिटिव आ चुका है समालखा मंडी में, उन्हीं के क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, उनके घर के मेंबर हैं। एक और नया केस है जो यहाँ पानीपत में दलबीर नगर से पॉजिटिव आया है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर हमारे पास अब 42 की संख्या हो गई है पॉजिटिव केसेस की। 31 पहले डिस्चार्ज हो चुके हैं और 12 केस अब हमारे जो ना इसमें फैसिलिटी क्वारंटाइन पे मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं। ये 4 केस भी आज इनको भी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। तो ये स्थिति है और लोगों से हम बार बार एक ही प्रार्थना करते हैं कि वो जो बनाए गए नियम है कोरोना से बचने के लिए, उनकी पालना करें, अन्यथा ये जो केस बढ़ते रहेंगे और कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा। सर, इनके क्लोज कॉन्टैक्ट की बातचीत आई, सामने कौन कहां कहां मिले हैं, लोग किस किस से मिले हैं? अभी जो ना इनके हमारी जो टीम है इनके एरिया में गई हुई है और कुछ देर बाद में इनकी डिटेल आ जाएगी, हम बता पाएंगे फिर। सर, जैसा इनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे उनको हमने सैम्पलिंग के लिए ले लिया है, लेकिन ज़रूरी है कि जो और भी केसेस जिनके कॉन्टैक्ट में ये आए होंगे उनकी पड़ताल अभी जारी है, जैसे ही पता लगेगा उनको भी वहाँ के लेंगे। सर, ऐसे में सवाल ये बनता है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं सर, तो आप कैसे निपटते हैं सर इसके लिए? मुश्किलें हैं और मुश्किलों का सामना करना भी हमारा कर्तव्य है, और ऐसे में बार बार हम यही कहते हैं अपने हम हेल्थ वर्कर्स को, सभी को ये कहते हैं कि वो अपने लोगों के बीच में ये बार बार मैसेज पहुंचाएं ताकि लोग इस बीमारी से बच सकें। और वही है जो 3 फार्मूला बताए गए हैं, 3 नियम बताए गए हैं कि फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें, हैंड वॉशिंग करें, मास्क का उपयोग करें। अगर मास्क नहीं है तो कोई भी कपड़ा मुँह पर बांध के चल सकते हैं, और भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। अगर किसी को साइन सिम्टम्स हैं तो या तो वो घर पे रहें या फिर अस्पताल में अपना आके इलाज करवाएं।
सर, जैसा कि आज कोर कमेटी की मीटिंग थी सर, इसमें कुछ सुझाव भी दिए हुए अधिकारियों ने, सर क्या सुझाव रखेगा सर आज आपकी तरफ से? सुझाव यही थे जो मैंने बताए हैं कि लोगों को समझना होगा इस बीमारी के बारे में। बिना समझे वो सभी लोग चल फिर रहे हैं और भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। भीड़ में लोगों का रहना एक ये जो खतरे को बुलावा देने वाली बात है, तो लोगों को समझना ही होगा। हम बार बार यही कह रहे हैं कि वो अपना बचाव करें और दूसरों को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। सर, एक नैतिकता का फर्ज निभाने के लिए फैक्ट्री मालिक, शॉप कीपर किस प्रकार से इसमें मदद कर सकता है? इस तरह कहते हैं कि टेम्परेचर वगैरह मशीन लेके, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है सर? जैसे ये छोटी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इनमें मालिकों की एक नैतिकता के नाते जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने सभी वर्कर्स का, लेबरर्स का वो डेली चेकअप करवाएं। और उसका आसान सा तरीका है कि वो थर्मल स्कैनर ले लें, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है, और सुबह जब वो एंट्री करते हैं, लेबरर आते हैं, उस वक्त उनका चेकिंग किया जाए। टेम्परेचर अगर किसी का ज़्यादा मिलता है तो उस केस में उस व्यक्ति को अलग कर दें और उसको डॉक्टरी इलाज के लिए भेजें। तो साफ तौर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि वो हिदायतें ज़रूर माने और इस वायरस को मजाक में ना लें। जो सोशल डिस्टेंस अगर जो लोग रखता है वो उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी और संक्रमित से बचेंगे। फिलहाल आज की जो तस्वीर फिर से जो पॉजिटिव केस सामने आए हैं, काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन संतलाल वर्मा का कहना है कि इस मुश्किल की घड़ी में ही वो लोग पूरी नियम अनुसार काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अगर नियमों का पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक हम कोरोना वायरस से जंग जीत सकते हैं। पानीपत आजकल के लिए मैं प्रदीप कुमार। सरकार ने 2 साल पहले वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू करने की बात कही थी। योजना पर लगातार काम भी हुआ है, मगर महामारी की विपदा के दौर में वन नेशन वन कार्ड योजना पर फिलहाल किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिकारी अनीता खर्ब ने बताया कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत राशन वितरित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन की आवश्यकता होती है, मगर कोविड-19 के चलते फिलहाल बायोमेट्रिक मशीन पर बैन है। अभी उसका उपयोग राशन बांटने के लिए नहीं किया जा सकता। इस वजह से फिलहाल वन नेशन वन कार्ड की स्कीम के अंतर्गत किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा। यानी कि जो लोग हरियाणा में रहते हैं मगर प्रवासी हैं, उनका राशन कार्ड किसी अन्य राज्य का है, फिलहाल उन्हें राशन नहीं मिल पाएगा और उन्हें राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मैम, एक वन नेशन वन कार्ड का आजकल वो चल रहा है अभियान चल रहा है, पिछले 2 साल से ये योजना लागू है, मगर जो प्रवासी यहाँ पे हैं वो उनकी शिकायत है कि उनको यहाँ पे राशन कार्ड पे कुछ नहीं मिलता, तो इसमें क्या अभी क्या प्रगति हो रही है? ये जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये कोविड-19 के चलते जितना भी फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें एक कदम है बायोमेट्रिक बेस्ड सिस्टम को कुछ समय के लिए कट ऑफ करना। अभी फ़िलहाल ये योजना इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि बायोमेट्रिक इम्प्रेशन हम नहीं ले रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिगत। तो जब तक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं चलेगा तब तक वन नेशन वन कार्ड संभव नहीं है। जैसे ही कोविड-19 का ख़त्म होगा तो ये योजना अमल में स्वयं ही आएगी, क्योंकि पहले भी पोर्टेबिलिटी के तहत हम पूरे हरियाणा में राशन दे रहे थे और ये फेजेस में करके पूरे देश में करने का सरकार का निर्णय था, लेकिन ये कोविड-19 के चलते बायोमेट्रिक जो सिस्टम है उसको फिलहाल रोक दिया गया है, इसके कारण से ये नहीं हो पा रहा है। आपके सवाल है, किस किस योजना के तहत क्या क्या वितरित किया जा रहा है? जैसे गुलाबी कार्ड है उनको 35 किलो गेहूँ प्लस अतिरिक्त जो हम एलोकेशन दे रहे हैं वो 5 kg पर हेड, उसी राशन कार्ड को दोबारा से राशन मिलेगा जितने भी उसमें मेंबर होंगे। मान लिया कि उसका कार्ड है गुलाबी और 35 किलो गेहूँ तो उसको मिलना ही है जो उसका रेगुलर वेट था। एडिशनल में अगर उसके परिवार में 3 मेंबर हैं तो 15 किलो और मिलेगा, मतलब उसको टोटल 50 किलो मिलेगा। और अगर BPL कार्ड है तो उनका 5 किलो पर यूनिट ही था, उनको प्लस 5 किलो पर यूनिट और मिलेगा, मतलब उनका डबल हो जाएगा।
किसी को 15 किलो मिलता था तो उसको 30 किलो मिलेगा। तो इसके अलावा BPL कार्डों को, पीले और गुलाबी, उनको सरसों का तेल जो पहले भी मिलता था 2 लीटर की एक बोतल और 1 किलो चीनी प्रति परिवार, ये उनको मिल रहा है। और इसके अलावा जो नए एडिशन हुए हैं उसमें 1 किलो दाल और 1 किलो नमक, ये भी पर परिवार मिल रहा है। ये सब निःशुल्क मिल रहा है। और इसके अलावा जो OPH कार्ड थे उन कार्डों पर पहले 5 किलो गेहूं मिलता था पर यूनिट, अब वो 10 किलो हो गया है, मतलब दो बार मिलता है। अब तो हम इकट्ठा ही दो बार इस बार दिया है, इकट्ठा ही दिया है 10 किलो, तो वो 10 किलो हो गया उनका 5 की जगह। और दाल और बाकी की चीज़ें उनके लिए नहीं है, गेहूं और दाल के, दाल पर परिवार 1 किलो। मैम जैसे भी आपने बताया कि बायोमेट्रिक बंद है, तो ऐसे में घपले की संभावना कितनी बढ़ जाती है? घपले की संभावना कोई अगर करना चाहे तो शायद उसको मौका हो, लेकिन जितनी पब्लिक जागरूक है और जितना हम मीडिया में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़्यादा संभावना मुझे प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जो लोगों के राशन के कार्ड नहीं हैं वही लोग राशन मांग रहे हैं, तो जिनके कार्ड हैं वो तो अपना राशन क्यों छोड़ेंगे। सबको हम पूरी तरह से, ये कितना जब से ये COVID-19 शुरू हुआ है मेरे ख्याल से जितनी पब्लिसिटी हमने राशन की करी है इतनी शायद ही हमने पहले कभी करी हो। मैम आप चुस्त दुरुस्त ऑफिसर हैं, COVID-19 के महामारी के दौर में कितने डिपू आपने अब तक चेक किए हैं, कितनों में खामियां पाई गई हैं और कितनों की सप्लाई सस्पेंड हुई है? हमारे नियमित रूप से ये राशन डिपो चेक होते रहते हैं, जिसमें हमने कमियां पाए जाने पर 5 डिपो पर FIR दर्ज की है। और सप्लाई सस्पेंड की फिगर अभी एट ए टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन कम से कम 10-12 डिपो की सप्लाई ज़रूर की जा चुकी है और 6-7 डिपो कैंसिल भी किए जा चुके हैं। ये वैसे भी हम नियमित रूप से करते हैं पर अब थोड़ा और ज़्यादा कर रहे हैं ताकि इस समय में लोगों को राशन मिलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, ये हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। इस पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज को आज पानीपत के लापरवाह दुकानदारों ने हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। शहर में दुकानें लेफ्ट राइट के नियम के हिसाब से खुल रही हैं, बाजार खुलने का समय भी 9 बजे से 5 बजे तक है, ग्राहक भी दुकानों पर आ रहे हैं। दुकानदार व ग्राहकों के लिए COVID-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, क्या बाजार खुलने के बाद दुकानदार अपनी व ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन सही ढंग से कर रहे हैं, यह सब पता लगाने के लिए विधायक प्रमोद विज दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनकर बाजारों में निकले। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कई दुकानदार बिना मास्क पहने दुकानदारी करते नजर आए। दुकानदारों और ग्राहकों की लापरवाही से विधायक प्रमोद विज खासे नाराज नजर आए। COVID-19 के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते लापरवाह ग्राहकों व दुकानदारों ने विधायक प्रमोद विज को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वे बाजार के प्रधानों से भी मिले और उन्होंने प्रधानों को बाजारों की व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि COVID-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार विधायक प्रमोद विज की उम्र इतनी है कि वे दिशा निर्देशों का पालन करके अपने घर पर आराम कर सकते हैं, मगर शहर के दुकानदारों की लापरवाही ने उन्हें भी सड़क पर निकलकर दुकानदारों व ग्राहकों के आगे हाथ जोड़ने के लिए मजबूर किया है। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसी जगहों पर पहुंचकर विधायक अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, मगर उन्हें चिंता है पानीपत के लोगों की, जो उन्हें घर बैठने नहीं दे रही। वे दुकानदारों व लोगों को समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि महामारी के दौर में लापरवाही ना करें, सबकी सुरक्षा करें, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसा है विधायक जी, कोरोना महामारी के इसमें अपने दिलो जान से हर गरीब की सेवा भी कर रहे हैं, बाजारों में गलियों तक मोहल्ले तक जो भी गरीब लोग हैं उनको खाना सूखा या फूड पैकेट वो भी वितरण कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग भी इन्हीं के साथ छोटी मोटी सेवा में लगे हुए हैं। तो जैसा बाजार में आ रहे हैं, क्या दिखाई दिया, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं हम लोग? सुरक्षित तो ये है कि बाजारों में कोई इनके पास कोई इंतजाम तो है नहीं, अपने ग्राहक आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग जो हम ये चाहते हैं भाई कोई 2 फुट की दूरी रखे, वो दूरियाँ नहीं है।
इससे ये है कि आने वाले टाइम में खतरा बढ़ रहा है कोरोना महामारी का। हमारी बाजारों के प्रधानों से भी और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और दूरी बना के रखें। हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बाज़ार में नहीं है ना, ये तो अपना मुआयना करने निकले अपने पूरे ग्लव्स वगैरह लगा के। अपना हमारे MLA साहब तो देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है, इसी के ऊपर जाके आगे कोई एक्शन लिया जाएगा ना, आगे DC के साथ मीटिंग होगी तो इसी के ऊपर बातचीत होगी, उसके लिए निकले हैं ये। हमारे बाज़ार तो कम है, गुड़बंडी में तो ज़्यादा बुरा हाल है, हमारा बाज़ार तो कम बिल है और रश ज़्यादा हो रहा है। बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि ये ईद की वजह से ना रश बहुत ज़्यादा है, ये ऐसे दुकान इतना काम नहीं है, ये सोमवार के बाद काम ये काम कम हो जाएगी, उस वजह से तो रश नज़र आ रहा है। उन नियमों का पालन मैं भी 50% करता हूँ और कई तो 100% नहीं करते, तो ये हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं कहीं ना कहीं। हम ये सोच रहे हैं ये बीमारी चली गई, ये बीमारी कहीं नहीं गई, केस आ रहे हैं, अब मार्केटें ओपन हुई हैं तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, जो हम केयरफुल नहीं रह रहे। मैं अभी बता रहा हूँ राइट साइड की दुकानें खुली हैं लेकिन लेफ्ट वाले दुकानदार भाई भी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके मित्र आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। भैया बचिए इन बातों से। लेने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ, निर्णय तो प्रशासन ही लेंगे, DC साहब आ गए हैं और कल उन्होंने पदभार भी संभाल लिया था, निर्णय तो प्रशासन लेगा और बाजारों के सभी लोग मिलकर राय देंगे अपनी अपनी, फिर निर्णय प्रशासन जो उचित समझेगा। मैं तो कुछ चिंता किसे आज बाजारों में अंदर गया था, मोटरसाइकिल पे था और कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं DC साहब को दूंगा। मेरे शहर में एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि अभी भी कुछ इलाकों में भीड़ भाड़ बहुत है, खास करके गुड़ मंडी वाले बाज़ार में तो हमें मोटरसाइकिल से भी पैदल उतरना पड़ा और वहाँ व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं कहीं आप? सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तो कुछ जगह पे है ही नहीं, खास करके गुड़ मंडी में और कुछ सूट की दुकानों पर, जो सूट की कुछ ऐसी दुकानें देखी जिसके अंदर 10-15 महिलाएं हैं। ये ठीक है कि एक त्यौहार आ रहा है और त्यौहार का मौका है, कुछ लोगों को इसमें शॉपिंग करनी होती है, ये स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन मेंटेन तो सोशल डिस्टेंस दुकानदार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अपनी दुकान की जिम्मेवारी उसी की है, हर जगह पुलिस छोड़ाएगी। और एक बाज़ार में ये देखा कि अभी भी बड़े व्हीकल्स आ रहे हैं, टेम्पू वगैरह आ रहे हैं, उससे ट्रैफिक रुक रहा है और कुछ बाज़ारों के अंदर बहुत सारी संख्या में मोटरसाइकिल खड़े हैं, रास्ते ही नहीं है निकलने का। अगर राइट लेफ्ट की ओपनिंग में ये हाल है तो पूरा बाज़ार खोलने में मुझे लगता है कि व्यवस्था कैसे मेंटेन कर पाएंगे, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सभी दुकानदारों का सहयोग चाहिए होगा, व्यापारी भाइयों का सहयोग चाहिए होगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा ये। सर एक सवाल, पिछले 3 दिन से लगातार केस आ रहे हैं, आज भी 4 पॉजिटिव केस आए हैं, जो समालखा सब्जी मंडी खुली हुई थी वहाँ से 3 पॉजिटिव केस आ जाए हैं और पहले 1 केस आ चुका है, तो ऐसे में बाजारों का खुलना कितना खतरनाक दिख रहा है? ललित जी, चिंता का विषय तो यही है। अब सवाल यह है कि इसका कोई इलाज तो है नहीं अभी तक, और सोशल डिस्टेंसिंग इसका एक हल है हमारे पास, जो हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सब प्रार्थना कर रहे हैं सबसे कि इसको मेंटेन किया जाए, लेकिन मुझे ये चीज़ यहाँ पानीपत में बहुत बड़ी कमी नज़र आई है आज बाज़ारों में रोल लेने के बाद, तो इसकी जानकारी मैं प्रशासन को दूंगा और फिर जैसे उचित निर्णय बोलेंगे उचित होगा। सर जैसे समालखा अनाज मंडी को सील किया गया है, आने वाले टाइम में अगर पानीपत बाज़ारों में भी ऐसी हालत बनेगी तो क्या होगा? नहीं, ऐसी हालत बननी नहीं चाहिए, मैं यही तो दुकानदारों से निवेदन आकलन किया, खुद ही कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हाँ, तो इससे बात करेंगे, जब दुकानदार भाई व्यापारी भाई अपनी मीटिंग DC साहब के साथ लेंगे तो उस मीटिंग में मैं जाऊंगा और अपनी ऑब्जर्वेशन DC साहब को मैं दे दूंगा। अभी सारे प्रधान आपके साथ खड़े हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं आपके? नहीं, मैं सुझाव तो DC महोदय को दूंगा, इनके तो ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, इनसे राय ले रहा हूँ, हर एक से राय ले रहा हूँ और बाई चांस मैं यहाँ से ऐसा नहीं है, यहाँ ये निश्चित नहीं था कि मैं नहीं आना है। मैं जब बाजार के राउंड से गया तो कुछ लोगों ने पहचान लिया, हालांकि हेलमेट भी डाला हुआ था, तो भाई साहब को पता लग गया तो उन्होंने कहा आते तो रुकना, तो मैं वापस फिर जब आया तो 2 मिनट के लिए रुक गया हूँ। ऐसी कोई योजना बदली है, रुकना नहीं है यहाँ पर,
पर मैं जब 10 मिनट पहले इनको फ़ोन कर दिया, चलो मैं वापसी पे आ रहा हूँ आपके पास। आप इस तरह आप घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पे, आपको ये नहीं लगता कि आप अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग? नहीं नहीं, मेरा देखिए पूरा प्रिकॉशन लिए, मैंने ग्लव्स डाले हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ था। थोड़ा सा समाज में तो मुझे रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं वॉशिंग वशिंग अच्छे तरह कर देता हूँ। जितनी प्रिकॉशन ली जा सकती है वो मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ हमेशा की तरह।